शर्ट को आजा यार, बाद में थूक लियो। अभी नहीं एंट्री करवानी यार, एंट्री सबकी इकट्ठी दिखानी है। ओ भाई हेलो, हट जी एक मिनट पीछे आ जा। अब राम राम से स्लो स्लो एंट्री करना, एकदम फास्ट नहीं आना। अब क्या शोर में जाते हो, आओ जैसे मर्जी आओ, आओ से जाओ। आराम से आराम से, स्लो स्लो मैम, साथ में थोड़ा और स्लो। हाँ आ जाओ, बैठो,
शॉट हो गया ना, चलो भाई अपने बैच में बैठ जाओ, बैठ जाओ बैच में, नहीं नहीं देख के पानी ओए आगे मत। अब हम भी दे गए इंट्रोडक्शन। दे दे भाई दे दे। इससे पहले लेट हो जाए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संदीप। आई एम योर होस्ट एंड दे आर योर घोस्ट। यस। दैट इज घोस्ट। आई एम होस्ट। दे आर घोस्ट। आर यू गेटिंग? आई एम ओनली घोस्ट। नो सॉरी। डोंट वरी वी विल स्केयर देम। ये होता है, ये बड़े स्टेज पे एजिटेशन से होता है। लेट मी नो इफ यू आर डन। गलती तेरी नहीं है, हालात तेरे कुछ ऐसे अभी। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सोनिया, एज ऑल यू नो। नहीं जानते बता तो दोबारा क्या हो गया? एज आई टोल्ड देम ऑलराइट। हेलो हेलो वेरी सर। हेलो गाइस, दिस इज मी अजय कुमार, योर फोर एंड लास्ट होस्ट ऑफ द डे फॉर द शो। एंड वी ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल ऑफ इंग्लिश welcome you on the 17th annual function of the great school of English directed by respected teacher Mr. S.K. Sinha. So please give it a big hand and let the function be initiated. Thank you. Clap in the air and give a big round of applause for please welcome Mr. Sinha. Initiate that. आ जाओ फटाफट आ जाओ। वेरी स्प्रिया मैम, प्रिया डिड नॉट कम, शी विल कम लेट। सारे बड़े आदमी हो रहे, क्या हुआ? प्ले कर दिया उधर आ जाना। Thank you.
All that person who had been a student of the Sinha sir, and he was very intelligent, excellent. He did not, he never gave up in his life. He still is struggling. And I appreciate him that for the future, he's handling his family. So I would like to call out that person on this stage. Please. Ek jordar taaliyon ke saath us bande ka swagat karo kyunki aap log is bande se bahut kuch seekhoge. एक बार ताली वाले बंदे के लिए सही दिन तारी अच्छा तो दे वेजा वेजा है ना वेजा है वाह वाह वो छल छल करती चली गई उस शायरी पे शायरी है वो छल छल करती आई थी वो छल छल करती चली गई शिवम भाई शहरा बांध के बैठे थे वो राखी बांध के चली गई ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ हरि ॐ महा ॐ पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीः माम् ॐ आनो भद्राः क्रतवो जन्तु
नः प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्र सुमतिर्जोयतां देवानां गं रातिरविनो निवृत्तिताम् देवानां गं सकमुपसेधिम वयं न धीमान आयुः प्रतिरन्तो जीवसि तान पूर्वया निविदा होमये वयम् भगम् मित्रमदितिम् दोक्ष्यम् श्रीधम् अर्जमणम् वरुणगुं सोममश्विनः सरस्वतिन सुभग मयस्करता तन्नो व्यातो मयभिव्यातो भेखजन् तन्माता पृथिवी कत्तिता द्योः तद्ग्रामाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विनः शृणुयुकाधीश्रा युवम् त्वमीशानम् जगस्तस्तु खस्पतिम् धेयञ्जिन भवसे होमहे वयम् मह ॐ विष्णुरराठमसि विष्णु सन्पत्रेस्तु विष्णुशोरसि विष्णु द्रोमसि वैष्णवमसि विष्णुवे त्व अग्निदेवता सूर्यदेवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवताः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णुभावहरणं सर्वलोकैकनाथं। ताड़ी तो बजा दो भाई, हो लिया पूरा। अभी मंत्र शुरू करने पहले शायरी शुरू कर देते हैं ये आदाशों के पंडितों का, तभी देश बर्बाद होगा। मैं यस सर, यस वापस कम बैक, टेक यू प्लीज सजिन, गिव हिम माइक। सिन्हा जी जा रहे हैं। सिन्हा सर कि भाई में क्या था और अब क्या? छह महीने तक मेरे को इंग्लिश सीखने बड़ी जिज्ञासा थी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, एक्साइटमेंट थी। तो मैं जाता देश का जाता, क्योंकि वहां पे एक रूल था सिन्हा जी का कि यहाँ हिंदी बोलना मना है, अगर हिंदी बोल दी तो सस्पेंड हो जाओगे। तो सस्पेंड की वजह से मैं कुछ बोलता ही नहीं था, गलत शब्द लिख गया, हिंदी लिख गया। तो मैंने छह महीने के अंदर दो लफ्ज सीखे, जो कि फेस टू फेस होता था ना, हाउ कैन यू से, और दूसरा बोलता है लिसन टू मी, लिसन टू मी। पता नहीं मैंने सोचा, पता नहीं ये बोल रहा बाहर, बताऊंगा जाकर क्या बोल रहा। तो कुछ सीखते सीखते सिन्हा जी की जो लास्ट की 5 मिनट की मोटिवेशन क्लास थी, मैं उसी को सुनता था बस, बाकी ये बोलते रहते थे हाउ कैन यू से लिसन टू मी, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैं वो मोटिवेशन क्लास ले लेके तो मैं 10वीं तक चला गया। तो 10वीं में 3 बार फेल होया, रिकम्पाइल के अंदर इंग्लिश कैसे सिखाते हैं, तो वहां पे बोले भाई बोलो ए फॉर एप्पल, कह रहे जी ये समझ में नहीं आ रहा जी, कोई दूसरा तरीका अपनाओ। कह रहे बोलो ए फॉर आनंद की बहू, बी फॉर बलबीर की बहू, और एस फॉर शिवम की बहू, और एम फॉर मंगेराम की बहू। एम तक पटा दिया, सिन्हा जी बोले अब ज्यादा अगर पटाऊंगा तारी जी भी ब्लास्ट हो जाएगी, तो अगले दिन पटावांगे बाकी। एम तक पटा गए, अगला दिन प्रिंसिपल आ गया और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, करे भाई इंग्लिश सीख ली? करे हाँ जी, सबना हठा लिए, सबको आती है जी, बताओ जी, पूछो जी, किसकी बहू कुछ नहीं है। तो मास्टर ने एम तक पढ़ाया था, प्रिंसिपल ने डब्ल्यू लिख दिया, कह रहे बताओ भाई इसका मतलब क्या, सारे खीर सिर खुजाव है। तो यू के भाई, यू तो पटाया ही नहीं, एक जना उठिया रड़तू, तुगा जी मन्ना पता है जी, तुगा बता, कह रहे जी मांगेराम की बहू है, टांग ऊपर कर रही है। तो ऐसे ही था, एक
तीन दोनों आगे इंटरव्यू, दो एक तो पढ़िया लिखिया और एक रड़दू, एक गया अंदर इंटरव्यू देने के लिए, कह रहे भाई इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए दो, तो उसके पास गए, कह रहे भाई बता पहला भारत का प्रधानमंत्री कौन? आग जी श्री जवाहरलाल नेहरू। आग जी अच्छा, आग भाई ये बताओ अपना देश आजाद कब हुआ था? जी 1856 से अपना प्रयास चल रहा था और 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। करे अच्छा, करे ये बताओ पृथ्वी गोल है? करे नहीं जी। अब वैज्ञानिकों की सर्च चल रही है, प्रयास चल रहा है, अब बाकी अभी तक निश्चिंत नहीं हुआ। तो फिर वो अगला गया, वो सारी चीज उसने रट लिया, रे क्या क्या पूछा? करे ये पूछा भाई, अब आंसर क्या है इसका? अब आंसर ये है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और 15 अगस्त 1947 और ये वाला भाई प्रयास चल रहा है। तो वो गया जाते पूछा, हाँ भाई तेरा नाम क्या है? करे जी श्री जवाहरलाल नेहरू। अच्छा अगे तू पैदा कब होया था, जन्म तिथि बता? कर जी 1856 से प्रयास चल रहा था, जाकर 15 अगस्त 1947 को मिले जी। आगे ये बता तू पागल है? कह रहे नहीं जी, वैज्ञानिक कहते हैं अभी प्रयास चल रहा है, अभी पता नहीं है। तो ऐसे ही एक बार क्या होया, एक लड़ झगड़ के घर में आया और अपनी पत्नी से बोलिया और लड़िया झगड़िया और रामकिशन से लड़िया, कह रहे बकरी के थन कितने होते हैं भाई? कह रहे बकरी के थन जी 3 होते हैं। वो कह रहे नहीं, बकरी के थन अग 2 होते हैं। बोले 3 होते हैं। और रामकिशन पीट दिया, तो अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोलिया, कह रहे अग बकरी के थन कितने होते हैं? कह रहे 2। कह रहे नहीं 3 होते हैं। मानना ही नहीं, पीट पीट के ना सूट उतार दिया और लिटिया दी। आई बता कितने हुए? अग भाई रोई के 3। न्यूगा रामकिशन भी न्यू मान्य था। तालियां ले पर। अच्छा ताली को बजाओ। अच्छा रोहतास भाई, रोहतास भाई हाँ भाई बता। आपके बारे में शिवम भाई ने एक बात बताई है, आई जस्ट वांट टू नो वेदर दैट्स ट्रू और नॉट। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बोल। हमारी अत्यधिक तमन्ना है, ये दिली तमन्ना है जानने की, जो बात हमें शिवम भाई ने आपके बारे में बताई है वह सत्य है अथवा सत्य है, कृपया हमें बताएं। तो बात यह है कि जब आप यंग थे, जब आप 10वीं 11वीं क्लास में थे, तो आप लड़कियों को फेसबुक और इंस्टा पे अप्रोच करके उन्हें पर्सनल डीएम करके कहा करते थे, हाथ जोड़ के, बहन गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। क्या यह बात सही है? या कदो भाई बात पता नहीं जी, ये तो खुदे बनाए थे आधी आधी, तो मुझे भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता मेरे पास कौन सा सन की बात है भाई साहब। ये अभी परसों बताई थी, मैंने पूछने के लिए बोली थी आपको। मेरे पास 2017 में तो मोबाइल नहीं आया। तो अकड़ों की भी जिंदगी बड़ी खराब होती है, जितने अकड़े होते हैं जरा गेर अटक गया, सोच लियो अटक गया, मुक्का मार के ना छाती में वो शब्द बाहर निकालने पड़ते हैं। एक अकड़ा ड्राइवर और एक अकड़ा कनेक्टर, कनेक्टर अकला और एक ताऊ पूछने लग गया, कह रहे भाई अब ये बस किधर जाएगी? कर पलवल, कर पानीपत, कर जब इतनी दूर जानी कर पता नहीं। चलो ये ताली देवर, बहुत बढ़िया बनाऊंगा। बता भाई पब्लिक ने ज्यादा नहीं 1300-1400 बार सुन रखे होंगे पहले से, जो भी था अकड़ अच्छा था, अप्रिशिएट। Okay, so now it's the real beginning of the function. Brothers and their sisters, men and lady. Now this grand function is actually going to be started. So are you ready? Yes. So now may I please call and say our leading guest, the product of our Sinha sir. Sinha sir got a person with cloak. Please come on stage. Me. Talia Lerbal. Ever Talia Lerbal. Better Talia to Majado. डब्बे का इंतजार है मैडम, देखनी शक्ल देखता देख पूरी सब्जी इस बार रात भर इन्होंने कुछ नहीं खाया आज के चक्कर में, देख आधो की तो हंसी नहीं निकल रही। तू ठीक है सचिन? हाँ आवाज नहीं निकल रही। चलो जी रेडी गो एट। ये 3-4 डब्बों की उम्मीद में आया है ये, एक एक बंदे 100 रुपए में 4 चले जाएंगे। हम सर मेरे भाई के लिए दे दो, मेरी बहन के लिए दे दो। ओके नाउ लेट अस। चलो चलो सॉरी। प्रतिज्ञा सुरंगम विशारम रथा
सदा दर्शनीय प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीय धनाय प्रदान इदं पातते ते देवलोके वतुल्यं यशूयस्य शुभ्रं वदेशी सुगीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम् हिमाद्री ललाटे पदे चैव सिन्धु हि प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं थैंक यू वेरी गुड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर ऑन स्टेज दिस डांस इज गोइंग टू आवर गाइस यू मैन जरूरी हमें ये कभी कहता ना मीरू ढीले नहीं लग रहे मेरे को सारे के सारे खड़े हो जाओ एक बार खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ बंदा कहीं परफॉर्मेंस नहीं होगी खड़े हो जाओ ये 40 साल का लड़का आज भी जवान सावधान विश्राम ये लड़कियां बैठी है पीछे आ गई क्या हुआ हेलो दिक्कत है तो बता दे दोबारा नहीं बोलूंगा अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जब निकले खबरदार आड़े रहियो
मोर का इलाज कोई काल सर में बचे गना एक बाल काहे रियो बोले चल मन में सांपिंग माल भूल के कलब की मार बिगाल काहे Chana chana ke bole
बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल, जरा पटकिए जरा चलिए, जरा पटकिए जरा चलिए, मेरी अदा भी है कातिल, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गल पे है काला काला दिल, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। अच्छा दिल्ली में ऑटो वाले से ई रिक्शा वाले ना तुम ऑटो से आए हो ना तुम गाड़ी से आए हो। अच्छा सुनो रिलेट करना गरीब लोग ठीक है। ये मैं अपने दोस्त अजय भाई कहाँ गए अच्छा अजय भाई की बात बता रहा हूँ ठीक है। अजय भाई के साथ दिल्ली में जगह सबको पता है साकेत। ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे साकेत ठीक है। तो भाई मैं पता है साकेत मेरे जो ऑटो वाले ना बड़े हॉर्नी है मुझे नहीं पता और ये लड़का तुम्हें बता रहा है पता कैसे मैं नीचे उतर रहा हूँ ऑटो वाला ही लाइक चलो और लाइक कहा चलो बोले चलो कहा से फिर ये मैं उसकी गलती नहीं थी ऑटो वाले की गलती नहीं थी ये मैं पता क्यों कह रहा हूँ क्योंकि 12 नंबर रोड में ना दो लड़कियां साउथ दिल्ली की लड़की का तुम जानते हो ना जिसमें फेक एक्सीडेंट होता है इंग्लिश वाला जो कहता था सबने सुने होंगे आज हम रियल में दिखाने संदीप भाई ने हमारी इज्जत रखी है तो हम भी रख देंगे इज्जत थोड़ी तो यार देखो पीछे से आवाज आ रही है बोलने दे गिनी चुनी 4 लाइनें तो तुमने मुझे दी हैं अब उसमें भी इंटरप्ट कर लो बोलो 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 शोर मचा दो मैं इनके लिए तो कहां थी मैं
लेडीज पर न्यूज़पेपर में तो तलाक के चर्चे बहुत सुने होंगे, आओ रियल में भी देख लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल 8 o'clock बैच, देयर इज नो नेम, कम स्टूडेंट्स। पानी हो जाओ यार, खाना नहीं खाया क्या यार? ये हौसला बढ़ा दिया करो परफॉर्मेंस का आने से पहले। ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाएंगे तुम्हें? बिछोना रोमांस नहीं कर, डांस नहीं कर, तेरे को पड़ी ही नहीं है। मेरी ब्यूटी किस काम? हाँ निकाल, हाँ निकाल। सोनिया, सोनिया वहाँ नहीं रहोगी तो मैंने पानी लाके। हेलो गाइस, माय नेम इज सीना। और मेरा नाम हीरा। और हम लोग आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत। ओह, रुक, पहले मैं बताऊंगा। क्यों? तू क्यों बताएगा? मैं बताऊंगा पहले। नहीं, मैं बताऊंगा। क्यों कम बोलो? चल क्या बताना है? ओके ठीक है, सबसे पहले मैं शायरी बोलूं। अच्छा शायरी? हाँ जी। जब तक दिल एक था मोहब्बत की एक सी थी। वाह वाह वाह, तो बोलो। वाह, मजा आ गया। जब तक दिल एक था मोहब्बत की एक सी थी। अच्छा, अब तो दिल के टुकड़े हो गए, जितने टुकड़े हैं उतनी मोहब्बत। हाय हाय, टिकटॉक का सर है, टिकटॉक का। ओ हेलो, ये कद्दू जैसी शक्ल की बना रखी है भैया। शायरी क्या करूँ मैं? वाहियत लोगों को वाहियत ही लगेगी ना शायरी। अच्छा अच्छा ठीक है, चल। और हाँ, हम लड़कियाँ वो होती हैं जो लड़कों को बोल बोल के तुमको बदल लेती हैं। और उसके बाद बोलती हो बाबू तुम तो बदल गए। अच्छा हाँ जी, शादी वो गठबंधन होता है। अच्छा अच्छा, अगर सही जुड़ा तो इंसान की लाइफ ही बदल जाती है। और गलत जुड़ा तो धमाका। ओके ठीक है ठीक है, मेरे क्लाइंट का फोन आ गया, मैं तुम्हें कोर्ट में मिलती हूँ। कोर्ट जा जा, देख लेंगे, मेरा भी क्लाइंट है। चल ठीक है, बाय बाय बाय। बारिश बरा रहे हैं, आ रही है जिसको पाउडर लगाना हो घर से लगा जाएगा। ये अदालत को गुमराह करने को जा रही है। अरे वो ज्यादा मैं बोलो, दोनों को सजा दे दूंगा। क्या मजा? नहीं नहीं जस साहब, भैया तुम करते रहते हैं, आप केस ही कारू से रख दीजिए। अरे फिर से बुला रहे बेड़ा वकील को, ये केस में ये नाक में दम कर रखेगा। जस साहब आप क्यों टेंशन ले रहे हो, केस की कार्रवाई पे गौर की जाए। अरे कहने आप तुम मुझे बताओ केस की कार्रवाई कैसे करते हैं। अच्छा तो कुछ सब कुछ जो मेरे से पूछ के करते हो, जब भी कोई फैसला लेना होता है तो कहते हो कानून के मुताबिक होगा कहते हो। ये तेरी गलतफहमी है कांडे, तेरे कहने से नहीं होता, सबूत और गवाह का मध्य नजर रखते हुए जज से फैसला लेंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ, खुद ही आवाज लगा लेना, ये हाजिर हो वो हाजिर हो। ना ना कांडे यार, तू तो बुरा मान गया भाई साहब, तेरे बिना कैसे बात चलेगी। हाँ जी वकील साहब, अपने क्लाइंट का बुलाए। चस्सा मैं अपने क्लाइंट को बुलाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे क्लाइंट हीरा बहुत परेशान है और वो तलाक चाहते हैं। तलाक? तलाक? हीरा जी हाजिर हो, हीरा जी, हीरा जी। नमस्ते साहब। अरे ओ सही से खड़ा हो, तेरे घर ना कोट है कोट। नमस्ते नमस्ते, और क्या हाल चाल? अभी तो गर्मी है, लड़का लग रहा है। जैसे आप क्यों जले बुने रहते हो, कभी हंस भी लिया करो। ठीक है जैसा, केस की कार्रवाई पे गौर की जाए। तो विपक्ष में जो वकील है अपने क्लाइंट को बुलाए। हीना जी, हीना जी हाजिर हो, हाजिर हो।
ये भी बोलना पड़ेगा। मेरे क्लाइंट हीरा अपनी बीवी से बहुत परेशान है और वो तलाक चाहता है। तलाक? तलाक? आपको तलाक में रहना था तो केस करने की जरूरत नहीं। जस्ट साहब मुझे बताया गया था ये तलाक का केस है। अरे यार तो ये भी तो ये कह रहा है तलाक का केस है। नहीं नहीं साहब ये तलाक का केस है। अरे तो ये भी ये कह रहा है तलाक का केस है। नहीं नहीं साहब ये तलाक का केस है। आप बताए जस साहब मुझे इस बहाइयत इंसान से तलाक चाहिए और जायदाद में 50% हिस्सा भी। देख तलाक तो ले ले चाहे तू 100 बार लेकिन जायदाद में 40 कौड़ी हिस्सा तो मैं लेके रहूंगी। जस साहब पैसा ना मिले तेरे को सारी चीजें आधी आधी बटेगी। जस साहब आधी 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 जस साहब इस बहाइयत इंसान ने मेरी जिंदगी झंड करके रख दी है। झंड? ये क्या था टीना जी? बर्बाद जस साहब बर्बाद। बर्बाद मैंने किए या तूने? जंगली औरत जस्ता। इस बात से एक बात और याद है मेरे को, कुछ टाइम पहले मैं बीमार हुआ और ये मैडम जानवरों के डॉक्टर को ले आई। वाह और तो क्या करती जस्ता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये सुबह उठता है मुर्गे की तरह, आधा अधूरा नहाता है कौवे की तरह, खाता है बंदर की तरह, भैंसे की तरह सो जाता है टांग पसार के। जस्ता ये तो गलत बात है, एक इंसान इतने सारे जानवर हो सकता है भला? हो सकता है भाई, हो सकता है, तेरे जैसे ही हो सकता है। ऐसा कभी नहीं सकता। अपनी कहानी बताए। नहीं जस साहब क्या कोई कहानी नहीं है, मेरी फीलिंग्स है। अपनी फीलिंग्स बताए। जस साहब जब ये शुरू शुरू मुझे देखने आया था तो मुझे बताया गया था लड़का बहुत हैरान है, अपना कमाता है, अपना खाता है, अपना पहनता है। हाय मेरी फूटी किस्मत, मुझे बाद में पता चला ये तो पीता भी है। हाँ जस साहब तो अच्छा कमाता हूँ और पीता भी हूँ, 50 रुपए का पौवा, इसमें गलत क्या है? अरे वाह तेरा 50 का पौवा और इतना बड़ा हुआ। जस साहब इसने मुझसे वादा किया था ये शराब छोड़ देगा। कोई वादा वादा नहीं किया जस साहब मैंने इससे। जस साहब इसने वादा किया था। कैसा वादा किया था? जस साहब इसने मुझसे ये वादा किया था कि अब ये शराब कभी नहीं पिएगा, छोड़ देगा। क्यों तेरा शादी से पहले नहीं पता था? अगर पता होता तो इसी भाई इंसान से शादी करती। रणबीर कपूर के रिश्तेदार थे मेरे लिए तो। ओहो रणबीर कपूर। और ये तो क्या, रणबीर कपूर ने सबका काटा है। जस साहब और तो पूरा दिन मुझसे लड़ता रहता है। अरे जस साहब जिंदगी बर्बाद तो इसने की है मेरी, चाहो तो मेरे बाप से पूछ लो। ओ ससुरे ससुरे टीना के ससुरे। अरे तू तो वही नेकराम का छोरा है ना जो गलियों में फटी बनियान पहन के घूमा करता था, आज तू अपने बूढ़े बाप जैसे सामान को कोर्ट में घसीट लाया। अरे सच सच अब मैं सच क्या बताऊं जज साहब, बहू के नाम पे क्या मिल गया मेरे को, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। पूरे दिन फोन पे टेढ़े टेढ़े मुंह बनाती रहती है, खाने को मांगू तो गर्म पानी देती है। ऑब्जेक्शन जस साहब खाने नहाने के लिए गर्म पट्टी देनी चाहिए। ये देनी चाहिए जरूर। सुनो देख लिया जस साहब, पूछ लिया मेरे पापा से। ओ बढ़िया ओ बुड्ढे ओ बुड्ढे ज्यादा ना बोल जस साहब, ये बुड्ढा एक मिनट का झूठा है, झूठ झूठ बोल रहे सारी बातें। मैं सच क्या बताऊं जज साहब आपको, जो भी कहना है मैं सच ही कहता हूं। मैंने अभी अभी गीता पे हाथ रख के कसम खाया है, वो गली से जा रही थी। मैंने नहीं देखा तेरे बाबा। देख लिया ना जज साहब, दोनों बाप बेटों की नियत एक जैसी है, एक जैसी। दोनों बाप बेटे एक जैसे, अब बेटा भी ऐसा है। हमारे सामने वाले पड़ोसी ने दिन भर उसे निहारता रहता है। देख लल्ला ये हमें हैवान बोल रही है, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे चुप हो जा, एक बापू मेरा बोल दिया। अरे भाई अरे मैं क्यों चुप करूँ, तू चुप कर जा। तू चुप कर जा साहब, यकीन नहीं होता तो मेरे सामने वाली पड़ोसन को बुला लिया जाए। गवाह बुलाओ गवाह बुलाओ। रे गवाह बुला रहा है कि गाय बुला रहा है?
और कैसे बुलाया जाता है जज साहब? थाने की इज्जत से श्रीमती जी हाजिर हो करके बुला ली हो। जज साहब हमसे नहीं बुलाया जाता, टीना की इस पड़ोस है लीला जी, हाजिर हो। जज साहब जब मैं आती जाती हूँ गली से, जब तो इसका पति मेरे को देखता रहता है, जब देखो उन लोगों की तरह देखता रहता है, और एक दिन तो पी के आता है और मेरे को बोलता है चलो मैं तुम्हें चांद पे लेके चलता हूँ। हाँ हाँ, चांद तो उसके पापा ने खरीदा हुआ है, तो चांद पर लेके जाएगा। तो जज साहब मैंने उतारी जूती, फिर वहां से ये भागा, और एक दिन और आके क्या कहते हैं मैंने तुम्हारे बालों में ना गुलाब का फूल लगा देता हूँ, जब देखो जैसा मेरे पे लाइन मारता है मैं तो सब जैसा कुछ। तुम तो जैसे कि होर की परी हो, तुम के बस इसके डोरा डाले गए हैं, शक्ल देखी तुमने अपनी, लेला भूल कैसे रहे हो तुम? आंखें देखी, आंखें बंदर जैसे तुम्हारी आंखें हैं, तुमने अपने बाल देखे हैं, गाय की पूंछ जैसे तो तुम्हारे बाल हैं। और देखो जैसा क्या कमी है इनके गालों में, गालों में नहीं बालों में। हाँ जी मैं भी तो वही बोलूँ, क्या कमी है गालों में? सामने देख के भाई, सामने देख के, गालों में नहीं बालों में। हाँ मोहतरमा क्या कमी है आपके गालों में? अरे बहरे चुप, गालों में नहीं बालों में। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। मैं क्यों चुप करूँ, तू चुप कर। चुप हो जा, हर मर्द की एक ही मांगे कि मैं चुप हो जाऊँ। ये भी भला हो सकता है जब कभी कि औरत जात और चुप हो जाए, इतिहास गवाह इतिहास। अच्छा। आज की डेट में जो भी लड़ाई होती है ना, हर एक के पीछे औरत का हाथ होता है, चाहो तो इतिहास उठा के देख लो। ये बात। अच्छा जी, इतिहास में कितने नंबर आए थे बच्चे? 100 में से 100 थे जी। लो कर लो बात, पक्का पेपर किसी और से करवाया। अरे ये बात मेरे यहाँ पे आजमाई होती ना तो शायद आज पास हो जाता। ओ मिस्टर, ये कोर्ट है, कोर्ट कोई आंगनवाड़ी नहीं है, यहाँ डंडे मिलते, डंडे दलिया नहीं। हाँ हाँ भूलो मत, ये तुम्हारे घर की रसोई नहीं है जहाँ हर सब्जी जल जाए। जले मेरे दुश्मन, मैं क्यों जलूं? तू जल चल चल, और चुप रह, ज्यादा बकवास ना कर। अच्छा जी जज साहब, जज साहब इससे पूछिए इसकी प्रॉब्लम क्या है। अपनी समस्या क्या है आपको? प्रॉब्लम क्या है? ये लड़की है और क्या प्रॉब्लम है? अच्छा जी, तो तुम्हें लड़के से शादी करनी थी। अरे जज साहब मुझे अपनी भावनाएं कहने का मौका दिया जाए। जी अपनी भावनाएं का जरूर प्रकट करें। प्रॉब्लम ये है कि एक लड़की है और क्या प्रॉब्लम है, और मेरे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, एक्चुअली इसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, इट इज एक्चुअली व्हाट इज शी वांट। ओ अंग्रेज के पोते, बड़ी अंग्रेज जी ना झाल मेरे सामने। जज साहब मुझे बस इससे इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, इस वाहियत इंसान के साथ मैं अब एक पल भी नहीं रह सकती। बहुत बहुत लड़ाई कर ली तुम दोनों ने मंत्र की तरह, अब इस केस का फैसला अगले महीने की 3 तारीख को होगा। जज साहब 3 तारीख को तो मेरा ब्याह है। अरे गाने तेरी भी शादी होने जा रही है, क्या बात है। तब हम इस केस का फैसला अगले महीने की, हम इस केस का फैसला अगले महीने की 5 तारीख को करेंगे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है तो बस तारीख पे तारीख, ये इंसाफ तो कभी मिलता ही नहीं। अब इसे क्या हो गया? जज साहब इसे धक्का होता हुआ देखा नहीं जाता, इसलिए सनी लिया, नहीं नहीं सनी देवल दिया आत्मा जाती है। धक्का किसके साथ आ रहा है यहाँ पे धक्का? जैसा मेरे क्लाइंट के साथ। ये तो कोर्ट का प्रसाद है, तो इतना प्रसाद मैंने के जुड़े थे जो सबको पास ही बांटना पड़े। जैसा अब इसमें बिल्लू डिल्लू की आत्मा आ गई। कोर्ट में दोनों काम काज के लिए मेरा काम कर रहा हूँ, मैं कोर्ट से निकाले अकेले के लिए इसमें नाम डाल दूंगा। अरे जैसा मैं तो थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। शाबाश है तुम्हारे वकील साहब, कलाकार बैठे हैं, खड़ा लगा हुआ है, दर्शक बैठे हैं, क्या बात है। नहीं जैसा मैं तो वातावरण शुद्ध करने की कोशिश करता हूँ। शाबाश तुम्हारा वातावरण, अच्छा वातावरण शुद्ध करा तुमने, दोबारा ऐसी कोशिश करे ना तुम्हारी जिंदगी में पर्यूशन खोल दूंगा, समझ गए। तुम दोनों बहुत फायदा मिला दो ना, अब दोनों वकीलों को मैं दावा मैं लेता हूँ। ये क्या लिखा हुआ कि हीरा जी कभी कभी रेप ही करते हैं? जैसा 1500 देखो, कोई लिखता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई डांस करता है, कती कती रेप करता है, हाय रब्बा धरती वेली देरी।
अरे जज साहब ये बात तो मेरे से भी छिपा के रखी हुई थी। कहाँ लिखा है तेरा पेज नंबर बताना। ये नंबर तो खुद ही फाइल बनाई ना, देख उसमें। अरे क्यों जज साहब मेरे भोले पंछी पे आरोप लगा रहे हो। जज साहब रैपर रैप आरएपी रैप ई कार्ड दो। रैप ये क्या होता है जज साहब। आजकल यार बच्चा बच्चा करता है। मैं तो किसी बहन करता हुआ देखा, तेरे बच्चे करते होंगे। जज साहब मैं करके बता दो रैप क्या होती है। हाँ जी करो। ए बी सी डी मैं तेरे डैडी, तेरे नाल पंगा लूंगा करूंगा मैं पैडी, लेके आओ गड्डी छोटी नहीं बड्डी, बड़ा होके लब लूंगा सोनी सी नट्टी, सोनी सी नट्टी। कबड्डी 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 पाउडर करते रह जाओगे पर रैप नहीं होना। चल साहब ऑर्डर ऑर्डर करते रह जाओगे रैप नहीं होना। ऑर्डर 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 जोनी जोनी सुनो काका आज मैं पाऊं तेरा पटाका। अरे जैसा मैंने बोला ना तुमसे नहीं होगा फिर क्यों कर रहे हैं आप। तुम्हारे ऊपर नाम जब नहीं किया तो ठीक है, हम जैप से बाहर आके केस के फैसले की तरफ बढ़ते हैं। जैप नहीं रैप होता रैप। केस का फैसला लिया जाता है सबूत और गवाह का मद्देनजर रखते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी शादी का एक और मौका देना चाहिए। हीरा जी आज से दारू बिल्कुल बंद, ओनली बियर। और हीरा जी टीना जी आज से टिकटॉक पर वीडियो बनाना बिल्कुल बंद, अपने घर को सब संभालें और अपने मम्मी अपने ससुर जी की सेवा करें क्योंकि आपके ससुर जी आपके पिता हैं। अगर आप उनके साथ ससुर जी वाला व्यवहार करेंगे तो उनको आपसे आपको उनसे पिताजी का वाला प्यार नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको अपने शादी को मौका देना चाहिए। ये सब आगे किसी किसी को प्राप्त होता है। अब मुझे देख लो 50 साल हो गया तक मैं छड़ा हूँ छड़ा। है जी सर अभी भी छड़े हो आप। ये बातें सुनिए रे। थैंक यू सर। हेलो मेक यू जोश अलाइव। तो मैं यहाँ हर मैच का नाम लूंगा फ्रॉम मॉर्निंग 7 o'clock टू इवनिंग 7 o'clock एंड यू हैव टू शाउट योर बेस्ट सो दैट वी कैन सी Who are active? Which batch is the most active batch? So, morning 7 o'clock. Morning 8 o'clock. The last morning batch, but not the least, 11. आवाज भी आएगा दोबारा 11. Let's come to the evening batch. 6 o'clock. And the last, and again not the least, evening and last 7 o'clock. छोड़ दो, छोड़ दो. शराबी बेचती यार तालियां बजा एक बार, एक बार तालियां बजा दे यार जोर से। डिवोटेड एंड एक्सलेंट। देयर वर 33 गर्ल्स इन दैट बैच मॉर्निंग 7 o'clock. In 2018, September, 33 girls, 32 girls stopped coming institution due to cold, job problem, family problem, personal problem, WhatsApp problem, TikTok problem, video problem, YouTube problem. They have so many problems. But one girl I got in sort of, she continuously attended continuous classes. I was very inspired of her. Very nice. She does a job at night. She does job. She gets tired. She's a working girl. She does not have this much time to attend class. But she comes daily. I am very much inspired of her. I like this kind of girl who makes herself, who dedicates herself to the work. And if you are not crazy, you are failure. You must be crazy. So if you want to learn something from this girl, she's very simple. She's not like you kind of people having dress, very good dress. Very good, your this and that, your latka chatka. She's very simple girl, but her simplicity and her dedication, I am inspired of her. Her name is Nana. Oh.
कम कौन सा सामने देखिएगा इधर सामने मैम सेवन ओ क्लॉक वाले को ताली बजा दो तुम्हारे बैच की लड़की है यार हो गया गेम में खत्म होना 10-5 मिनट गया 9 o'clock Lisa and Monica from 9 o'clock. Are you there? Dancer, get me some gulab. I am going to song. Give me your entire. All the dancers. Please come here and give your songs to the DJ. All the dancing performances. Am I audible? All the dancing performances, please come here and give your songs to the DJ. स्टार्ट करें आप लोगों को हाउलिंग आती है चीयरिंग आती है तो करो ना यार Oh!
की सब ले ले। I'm gonna make you mine.
इन सब का परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरा और अजय भाई का मूड बन गया है एक गाना सुनाने का। तुम सबको तारीफ चाहिए, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अस नाउ। और एक बारी जितने भी परफॉर्मर्स हुए हैं, जितनी भी परफॉर्मेंसेस हुई हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत ज्यादा शोर मचा था ताकि उन्हें लगे कि उनकी मेहनत काम आ गई है। तहे दिल से थैंक यू। ए डब्ल्यू को क्या हो गया?